परमात्मा का नाम कोई अगर भाव से भजता है तो भगवान उसको भी अपना भजन मान लेते हैं, अगर कुभाव से उनका भजन करता है तो उसको भी भगवान अपना भजन मान लेते हैं। तो शिशुपाल ने जैसे भी भगवान को गाली के रूप में ही क्यों ना भजा, भगवान कहते हैं मैं उसको भी उद्धार कर देता। तो श्रीमद् भागवत में अनेक चर्चाएं, अनेक भक्तों की गाथाएं, अनेक लीलाएं की गई, जिसको आपने संक्षेप का श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण किया एवं इन 7 दिनों में इस ग्रामीण सारे ग्रामवासी एवं यह जो मेला कमिटी है, इन कमिटी का मैं सदा आभारी हूँ जो कि इन लोगों के द्वारा ऐसा आयोजन किया गया। सतत मैं यही परमात्मा से मंगल कामना करती हूँ कि सबके अंतर हृदय में परमात्मा के प्रति ऐसी प्रेरणा बनता रहे ताकि सत्संग, प्रवचन, हरिनाम, परमात्मा के चरणों में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और इन 7 दिनों में जो कुछ भी मेरे द्वारा किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई होगी तो उसे आप जैसे प्रबुद्ध श्रोतागण मुझे क्षमा करेंगे, जो अच्छी बातें लगी होगी उसे आत्मसात करेंगे और जो खराब लगी होगी वो मुझे वापस कर देंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया है क्षमिहब सज्जन मोरी जिठाई सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी ढीठपना को आप जैसे प्रबुद्ध श्रोतागण क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि परमात्मा, परमात्मा की लीला, परमात्मा का नाम राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार असुनी आचरज न मान यही जिनके विमल विचार। राम अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनकी गाथा अनंत है, लेकिन मेरी जो अपनी समझ है, अपनी बुद्धि है, निज मन मति अनुसार अपनी बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी बन पड़ा वह मैं आपकी सेवा में रखी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुखिया जी सह मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार मेहता जी कुछ संदेश देना चाहते हैं
मैं आग्रह करूंगा संतोष मेहता जी से, वो अपना संदेश देने की कृपा करें।